प्रिय बच्चों, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप सभी अपना विषय पढ़ रहे हैं। कोविड-19 के कारण सभी स्कूलों में क्लासेस नहीं चल रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन वीडियो के जरिए ही आप अपना पठन पाठन कर रहे हैं। तो आइए कक्षा सात के बच्चे ध्यान देंगे। पाठ छ, शिष्टाचार, हिंदी विषय, कक्षा सात, पाठ छ, शिष्टाचार। इसके पहले शिष्टाचार के बारे में, सभ्यता के बारे में, संस्कार के बारे में आपने इस पाठ के माध्यम से पढ़ा, बहुत सारी सीख प्राप्त किया। आइए अगले पैराग्राफ की ओर ले चल रहे हैं, जहां हम शुरुआत करेंगे। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, यहां से ध्यान दीजिएगा। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी बोली में मिठास होनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात। लोग कहते हैं विनम्रता या शिष्टाचार केवल बड़ों के सामने दिखाना चाहिए, बड़ों के सामने होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अरे भैया, विनम्रता और संस्कार और अपने से छोटों के प्रति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं केवल हम बड़ों का सम्मान करें, बड़ों से अच्छी बात करें और छोटों को लठमार भाषा का प्रयोग करें, लोटों के साथ, छोटों के साथ जो है अच्छी का प्रयोग ना करें। ये छोटों के प्रति नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। बड़ों को तो सम्मान होना चाहिए, लेकिन छोटों के प्रति नम्रता और स्नेह का भाव दिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु ही नहीं है, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी होनी चाहिए। आप बनावटी भाषा में किसी के साथ विनम्रता का परिचय दें और आपका कर्म खराब है, ये भी अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, हमारे कर्म में विनम्रता होनी चाहिए, बात सही है। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। जैसे आपके दरवाजे पर कोई अपरिचित व्यक्ति आ गया या परिचित व्यक्ति आ गया या मेहमान आ गया, तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए, अच्छी भाषा में, मीठी भाषा में बोल करके अपने दरवाजे पर उनके बैठने का, उनके उठने का व्यवस्था करनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद भी हमें बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ गया और आप दो कुर्सी निकाले, वो व्यक्ति खड़ा है और आप पहले बैठ गए कुर्सी पर, उसके बाद बोलते हैं ओ भैया जी आप बैठिए, मतलब आप पहले बैठ गए, आपके दरवाजे पर आए, पहले आप उनको बैठाइए उसके बाद आप बैठिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी आवश्यक है, महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को सरकार भी आरक्षण देती है, महिलाओं का सम्मान सरकार भी करती है, हमारा कानून भी करता है, तो हम आप क्यों ना करें। तो महिलाओं के सम्मान में विनम्रता बिल्कुल आवश्यक है, संस्कार बिल्कुल आवश्यक है, उनका सम्मान करना चाहिए। बस या रेल में किसी महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण। जब आप किसी बस पे सवारी कर रहे हैं या किसी रेल में सवारी कर रहे हैं, ट्रेन में सवारी कर रहे हैं, अगर कोई महिला खड़ी है, आप बैठे हैं, आपको सीट मिल गई, आप बैठे हैं, तो आपकी कर्तव्य है, आप अगर शिष्ट व्यक्ति हैं तो पहले आप उस महिला को सीट देंगे, बैठने का स्थान देंगे। अगर आप अकर्मण हैं, आपके अंदर कर्तव्य भावना नहीं है, आप एक शिष्ट व्यक्ति नहीं है, तो महिला को सीट बैठने के लिए नहीं देंगे। अब देखिए, ये अच्छा आचरण होता है। विनम्रता और दीनता में अंतर है, विनम्रता और दीनता में अंतर है। व्यक्ति विनम्र होता है, एक व्यक्ति विनम्र होता है, एक व्यक्ति दीनता का शिकार होता है, दीनहीन होता है, जिसपे दया आती है, सेम्पथी हमें दिखानी पड़ती है। विनम्र होते हुए भी
हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। अगर हम विनम्र व्यक्ति हैं, शिष्ट व्यक्ति हैं, अगर ये संस्कार हमारे अंदर है तो हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलेसी नहीं है। कुछ लोग विनम्रता के इतना भयानक परिचय दे देते हैं कि उससे उनकी विनम्रता के भाव में हमें चापलूसी नजर आने लगती है। कोई विधायक के साथ इतना विनम्रता से पेश आ रहा है, अगर कायदे से देखा जाए, गंभीरता से देखा जाए, तो उसके इस विनम्रता में चापलूसी नजर आती। वो चापलूस है उस विधायक का, जो जी हाँ जी हाँ जी अच्छा जी हाँ, तो ये झूठ झूठ की प्रसन्नता करना, तो ये गलत बात है। ये विनम्रता नहीं है, दिखावापन है। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहा है, अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी एहसास हो जाए कि जिसका हम बहुत सम्मान कर रहे हैं, जिसके साथ हम शिष्टता से पेश आ रहे हैं, जिसके साथ जो है हम विनम्रता से पेश आ रहे हैं, आपको एहसास हो कि वह व्यक्ति हमें दीनहीन समझता है, हमें कमजोर समझता है, और कमजोर समझकर हमारी मदद करने की कोशिश दूसरे अंदाज में कह रहा है, तो आप उसका पीछा छोड़ दीजिए, वो अच्छा नहीं है, गलत है। अगर हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो भी हमें आशीर्वाद दे तो अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति आपके विनम्रता का दुर्भावना से दुर्व्यवहार व्यक्त करके अगर प्रकट करता है तो ये अच्छी बात है। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है क्या? दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसीलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित कहा जाएगा। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना ये अशिष्टता का परिचय है। बिना मतलब के आप किसी की उम्र पूछ रहे हैं, आपकी उम्र क्या है, आप कई साल को हो, गलत बात है। कोई मतलब हो तो पूछो। बिना मतलब के किसी के घर पे आप पहुंच गए, आप बच्चे हो इसलिए मैं आपको और समझा रहा हूँ, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी मित्र के यहाँ पहुंच गए, तो बेमतलब धृष्टता का परिचय दिखाते हुए आप उसके घर के सामान को उथल पुथल कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, छू रहे हैं बिना मतलब, ये शिष्टता का परिचय नहीं है, ये दुष्टता का परिचय। और क्या, जैसे कोई व्यक्ति होता है किसी से उसकी उम्र पूछ लेता है, किसी से उसका वेतन पूछ लेता है, तुम कितना पाते हो, कितना कमाते हो, ये उसको खराब लग जाता है, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है किसी के बारे में विशेष जानकारी लेना। हाँ, कोई मतलब हो विशेष तब आप जानकारी लो तो उसको भी अच्छा लगेगा आपके सवालों का जवाब देने। और बेमतलब कि कोई कुछ लिख रहा है तो उसमें ताक झांक करना, कोई भी काम कर रहा है तो उसमें दखलदाजी करना, हाँ ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, तो ये सब शिष्टता नहीं है, ये शिष्टता का परिचय नहीं है, ये तो आपका दुर्व्यवहार है किसी के प्रति। यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है उसे धन्यवाद देना। अगर कोई व्यक्ति मेरी मदद करता है, मेरी सहायता करता है, वो सहायता कर दिया, मदद कर दिया, आपने अपने शब्दों में उसका कोई संबोधन नहीं किया, अपने शब्दों में उसका उसके लिए आभार नहीं प्रकट किया, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा? आप कम से कम इतना कह सकते हो धन्यवाद कह, कम से कम तो धन्यवाद तो कह दीजिए। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य बोलना चाहिए। आप खड़े हो, आप कोई उसने मदद कर दिया, आप पे दयावान होकर आपको बैठने का स्थान दे दिया, आप बैठ गए झम से, लेकिन उसको धन्यवाद तो बोल दो। उम्र देखो कितनी उम्र का है, अंकल कहने के लायक है,
या दादाजी कहने के लायक है, या भाई कहने के लायक है, या भैया कहने के लायक है, उस शब्द के साथ उसको सजा करके आप उसको धन्यवाद बोल दीजिए। उसको भी अच्छा लगेगा कि इस व्यक्ति को मैंने सहायता दिया, इस व्यक्ति को मैंने सीट दिया, देखो ये हमें धन्यवाद बोल रहा है। हाँ, ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपरी मन से नहीं। धन्यवाद बोलते हुए जिसने आपकी मदद किया है उसे लगना चाहिए, उसे एहसास होना चाहिए कि इसने दिल से मुझे धन्यवाद दिया है। ऐसा नहीं कि ऊपरी मन से दिया है, ऐसा नहीं कि केवल हम अपना काम करके बगल हो, आपकी कोई मदद कर दिया धन्यवाद, ऐसा नहीं। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप बोलोगे उसको अच्छा लगेगा, वह फिर कभी किसी न किसी मोड़ पर आपकी मदद करने की कोशिश करेगा। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अगली वीडियो में अगला पाठ और अगला पैराग्राफ इस पाठ का आपको पढ़ाएंगे। आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। धन्यवाद।